वास्तु का, वास्तु के बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ तो बहुत लोग ऐसा पूछते भी हैं वास्तु के हिसाब से, इसलिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूँ। वास्तु अप्लायंसेस है, आपकी सारी यूनिट ईस्ट, मेजर जो यूनिट है वो ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग है, साउथ फेसिंग कोई भी यूनिट नहीं है। अच्छा, मैं क्वालिटी का अगर थोड़ा बात करूं तो ये छूने पे पता लग रहा है कि ये पूरा आपका मसाला है, सबसे अच्छी चीज है। इसमें कोई भी बालू का काम नहीं यूज हुआ है, इसमें सैंड डस्ट यूज हुई है, कंक्रीट स्ट्रक्चर है, 1/4 का आपका पूरा स्ट्रक्चर पे हमने बेस कंप्लीट किया है। वो देख पा रहे हैं और जो लोग आएंगे वो भी यहाँ पे फिजिकली देख पाएंगे, क्योंकि अभी ये कंस्ट्रक्शन स्टेज में तो चीजें समझ में आएंगी। साथियों, आज हम आ गए हैं एक प्रोजेक्ट दिखाने के लिए जो कि जो है आपका LDA और RERA अप्रूव प्रोजेक्ट है। हमारे सामने इसका एक सैंपल हाउस है, ये आप देख सकते हैं, और इसके बारे में अधिक जानकारी लेंगे जो यहाँ पे देखते हैं। सर, प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताइएगा, उससे पहले अपना नाम थोड़ा परिचय दीजिएगा। बिल्कुल, मेरा नाम आशुतोष त्रिवेदी है जी, और प्रोजेक्ट को मैं भी देख रहा हूँ जी। प्रोजेक्ट की बात अगर मैं करता हूँ तो 8.5 एकड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है। अच्छा, ये पूरा 8.5 एकड़ जी, ये पूरा फ्रंट से जो आप एंड तक देख रहे हैं ये 8.5 एकड़ का लैंड एरिया है, जिसमें हम करीब 287 यूनिट इंडिपेंडेंट हाउसेज बना रहे हैं जो कि एक्सपेंडेबल विला के फॉर्मेट में है जी। इसमें दो तरीके का सेगमेंट है, एक सिंप्लेक्स 2 BHK और ड्यूप्लेक्स 4 BHK का। जो आप अभी पीछे सैंपल देख रहे हैं ये ड्यूप्लेक्स का है, 650 स्क्वायर फीट का प्लॉट। ड्यूप्लेक्स मतलब ऊपर ही बना हुआ, तो ड्यूप्लेक्स हो गया, और सिंपल सिंपल खाली एक ही फ्लोर है तो सिंप्लेक्स। सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना है वो आपका सिंप्लेक्स हो गया, तो इस साइड पे सेगमेंट में है। ओके, हम लोग चलते हैं फिर अंदर देख लेते हैं एक बार। तो हम लोग इधर देखें, इसका एक बार साइज बता देते हैं आप मुझे। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये 645 स्क्वायर फीट का प्लॉट एरिया है, जिसका फ्रंटेज 20 फीट का फ्रंट है और 32.5 की डेप्थ आती है। अच्छा। तो अच्छी चीज ये है कि जो 1000 स्क्वायर फीट का साइज में फ्रंटेज आता है वो फ्रंट इसमें मिलता है। हाँ, नॉर्मल लोग 20 फीट का ही फ्रंट देते हैं, तो 20 फीट के फ्रंटेज में बेनिफिट ये आपका आएगा, जो आप अभी अंदर देखेंगे तो जो हमारे रूम साइजेस है वो आपको प्रोमिनेंट 10x10 के रूम साइज मिलता है। ओके, तो वो एक अच्छी चीज है। प्रॉपर 2 BHK है ग्राउंड फ्लोर में, ऐसा नहीं कि साइजेस को कहीं इधर तोड़ मरोड़ के किया गया है, प्रॉपर 2 BHK है। और ये पूरा प्रोजेक्ट LIG हाउसिंग के अंदर आता है, जो LDA की LIG लो इनकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम है, इसके अंतर्गत आता है। ओके, तो जितना भी एक सेगमेंट है जिनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग एक वर्ड यूज किया जाता है या उनको काफी चीजें नहीं मिलती हैं, तो ये सेगमेंट को थोड़ा सा अलग किया। अफोर्डेबल हाउसिंग है बट इसमें फीचर्स और एमिनिटी सारी लग्जरी है, लग्जरी फीचर्स हैं। आइए फिर हम लोग अंदर चले चलते हैं। तो ये साथियों आपका फ्रंट आएगा मकान का, और यहाँ से आ जाइए आप भी साथ में रहिए, ये सीढ़ियाँ चली जाएंगी ऊपर। जैसे ही हमारा ड्यूप्लेक्स की बात करते हैं 4 BHK, तो एक्सटर्नल एलिवेशन आपका सेम रहता है, आपकी स्टेयरकेस आउट से मूव करती है कि आप ऊपर भी सेम चीजें एक्सपैंड कर सकते हैं। एक्सपैंडेबल, जैसे मैंने पहले कहा एक्सपैंडेबल विला है, तो ऊपर अभी हमने 2 रूम सेट दिया है, किसी को उसको बढ़ाना है ड्रॉइंग डाइनिंग स्पेस ऊपर एक्सपैंड करनी, तो जैसा नीचे का सेगमेंट है ऐसा ही सेम आप ऊपर एप्लीकेट कर सकते हैं, या ऊपर आप थोड़ा बहुत अल्ट्रेशन अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। ये इधर से सीढ़ियाँ चली जाएंगी ऊपर के लिए, और ये इधर से मेन एंट्रेंस हो जाएगा। आप ज्यादा अच्छा जी, ये हमारा मेन एंट्रेंस गेट है जी। गेट की भी आप अगर स्पेस देखते हैं तो आपका 4 फीट का एंट्रेंस गेट दिया हुआ है, हाइट इसकी 7 फीट की है, तो आपका कोई भी मूवमेंट के लिए अगर आप देखते हैं बहुत इजी मूवमेंट है। एंटर करते ही आप सामने देखते हैं कि मेरा ड्रॉइंग स्पेस है, ये देख लेंगे तो ये ड्रॉइंग स्पेस आ जाएगा। सैंपल मिला है, ऐसे ही बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे, बनेगा ऐसे, बस जो फीचर्स या जो चीजें इसमें हैं वो आपके उस एक्चुअल यूनिट में नहीं आती। हाँ, मतलब ये आपको नेकेड फ्लैट मिलेगा। ये आपने एक सैंपल दिखाया है कि कैसे कैसे इसमें सामान अपना आदमी रख सकता है। इधर देखेंगे तो ये एक विंडो भी है, प्रॉपर विंडो है, आप दोनों तरफ से देखते हैं, वेंटिलेशन के लिए इजी स्पेस है, क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा है, लाइट मूवमेंट अच्छा है, आपके पास सारी चीजें आती हैं। अब अपन अंदर करते हैं, 10x13 का आपका ये रूम ड्राइंग एरिया है, आपका प्रॉपर 10x13 का ड्राइंग एरिया है। इसी से अटैच, मतलब इसी से लगा हुआ आपका ये स्पेस आप देखते हैं वो डाइनिंग के लिए है। अच्छा, तो अगर हम ये किचन है, ये प्रॉपर किचन का फॉर्मेट है, ये डाइनिंग है। आप इधर देखिए तो रेफ्रिजरेटर की स्पेस दी गई है, सामने हमने किचन टॉप दिया हुआ है, ग्रैंड ऑफिस के साथ आता है विद बाउल। मॉड्यूलर किचन का प्रोविजन है जो आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, बना के हमने दिया है कि शो आपको कि आप कैसा कर सकते हो। अच्छा, आप ये पूरा करके नहीं दोगे? नहीं, वो नेकेड रहे, हम ये लगा के टॉप देंगे, सिंक बाउल देंगे, आपकी सारी जितनी भी आपकी सैनिटरी का फिटिंग का पार्ट है, आपकी इंटरनल जितना इलेक्ट्रिकल वर्क है, प्लम्बिंग वर्क है, ये सारी चीजें हम कंप्लीट करके देते हैं। अच्छा, बाकी ये आप, ये कस्टमर का अपना, क्योंकि हर कस्टमर की कस्टमाइजेशन, हाँ सर, आदमी अपना सपना ही होता है अपने हिसाब से चीजों को डिजाइन करना, तो ये कॉम्पैक्ट फैमिली के लिए काफी ठीक लग रहा है। बेसिक फैमिली स्ट्रक्चर, हस्बैंड वाइफ, किड्स एंड फैमिली, उनके लिए प्रॉपर 2 BHK का सेगमेंट आ जाता है। अब ये देखेंगे तो इधर से एंट्री है, ये आपका जो है ये एंट्रेंस पॉइंट चले जाइए कृष्णा।
एक सबसे अच्छी चीज मैं इसमें और जरूर ऐड करना चाहूंगा, पूरी 287 यूनिट ऐसी हैं जिसको वास्तु कंप्लायंसेस के साथ रखा गया है। वास्तु का, वास्तु के बारे में मैं वीडियो बनाता हूं तो बहुत लोग ऐसा पूछते भी हैं कि वास्तु के हिसाब से हो। मैं उसी कह रहा हूं, इसलिए यहां पे इंट्रोड्यूस करता हूं, वास्तु कंप्लायंसेस है आपकी सारी यूनिट। ईस्ट मेजर जो यूनिट है वो ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग है, साउथ फेसिंग कोई भी यूनिट नहीं है। ओके, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये सेक्शन आएगा, साउथ फेसिंग कोई भी यूनिट नहीं आएगी। okay. और मैक्सिमम जो यूनिट है वो ईस्ट और वेस्ट फेसिंग है। okay. इससे बेनिफिट ये है कि आप अगर अपने डोर्स को फ्रंट एंड बैक डोर ओपन करते हैं तो आपका क्रॉस वेंटिलेशन 24/7 मिलता है, जैसे हम लोग ये देख रहे हैं, जैसे आप अभी देख रहे हैं। आपका ये डोर ओपन है पीछे से, आपकी कोई भी लाइट का हिंड्रेंस नहीं है आपकी। इससे बेनिफिट ये बहुत बड़ा आता है, कस्टमर को शुरू में नहीं लगता लेकिन बाद में लगता है, आप ऑलमोस्ट 10% की इलेक्ट्रिसिटी बिल बचा सकते हैं, बड़े आराम से बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको डे लाइट मैक्सिमम मिलती है और ये आपके लॉन्ग रन में बेनिफिट है, पैसा आप ही का बच रहा है। आइए प्लीज बेडरूम का साइज देख लेते हैं। इधर हम लोग आएंगे तो ये एक बेडरूम ये है आपका, ये फर्स्ट बेडरूम है एज अ मास्टर बेडरूम, सारी चीजें इंस्टॉल है, 10x10 का रूम साइज है। आप अगर देखते हैं तो एक किंग साइज बेड पड़ा हुआ है। वार्डरोब स्पेसेस भी हमने अच्छी खासी दी है जिसमें 2.5 फीट की डेप्थ है। अच्छा, तो अगर कोई कस्टमर अपनी थोड़ा सा भी कस्टमाइजेशन करता है तो यू कैन मेक इट अ वेरी प्रॉपर बेडरूम साइज। ओके सर, मेरा ऑडियंस थोड़ा हिंदी है प्लीज। उनके लिए बहुत अच्छे से बन सकता है क्योंकि जो कस्टमर बेस है अभी यहाँ सबसे ज्यादा, जिस जो कस्टमर्स ने अभी हमारे से प्रॉपर्टी ली भी है, करीब 44 यूनिट हम ऑलमोस्ट सोल्ड आउट कर चुके हैं। मैक्सिमम बायर ऐसा है जो अफोर्डेबल सेगमेंट का है, बैंकर लॉबी से है, टीचर्स है, बेसिक शिक्षा वाले हैं, फोर्स पर्सन है क्योंकि वो खुद इतना टाइम नहीं स्पेंड कर सकते कि वो खुद घर बनाए। फोर्स वाले तो काफी मुझे फोन करते हैं, मेरे बहुत से फोर्स के साथी मेरा वीडियो देखते हैं और उनको चाहिए भी होता बहुत है। बहुत अच्छा ऑप्शन है जहां उन्हें बेस्ट क्वालिटी चीज है, हर चीज उनके हिसाब से और बनी बनाई रेडीमेड मिलती है। उन्हें कस्टमाइजेशन या टेलर मेड नहीं करना, उन्हें कहीं जाके खुद नहीं देखना, सारी चीज उनके हाथ में। अब अच्छी चीज पे आते हैं, जैसे ही आप बैक करते हैं नॉर्मली एक चीज होती है आंगन का स्पेस आपको मिलता है, दोनों तरफ स्पेस दी गई है। ये आपका एक बेडिंग एरिया दिया है, आप आके देख सकते हैं। इसमें सारी चीजें जिस तरह से इंस्टॉल्ड हैं ऐसी ही रहेंगी। आजी कृष्णा अंतरा जी, ये आपका वॉशरूम, ये आपका जो है ये नहाने के लिए होगा। इसमें भी आपने सेरा की फिटिंग कर रखी, फिटिंग सारी सेरा की है, सेरा एंड जगुआर इक्विवेलेंट पे रहेगा, 7 फीट की हाइट तक टाइल्स रहेगी, प्रॉपर स्पेसेस, शावर भी लगा सेरा का, ये भी है जी। कृष्णा दिखाना जरा भाई, फिटिंग सारी आप जो देख रहे हैं सेरा की है। इसमें जो चीज आप अभी देख रहे हैं ये एज इट इज ऐसी ही रहेगी। अच्छा, कोई चेंज नहीं होगा। कस्टमाइजेशन मैं क्या कर देता हूं, फिटिंग्स फिक्स्चर्स जो मैंने कहा सैनिटरी पार्ट वो एज इट इज कंप्लीट करके देते हैं। जो चीज हम थोड़ा सा नहीं वो आपकी टेलर मेड में है। अब जैसे आप अभी देखिए एक वॉशिंग मशीन स्पेस रखी हुई है, आप अगर इसको क्लोज भी करते हैं तो आपके पास एक अच्छा फिट आउट स्पेस भी है। ये हमने स्पेस दी है WC, इसमें भी आपको सेरा मिलेगा। ये भी सेरा देख पा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल ये सेरा। इसके साथ ही बाहर आपको एक प्रोफेशनल स्पेस दिया गया है, इसलिए कि आपका जितना भी कॉमन स्पेस है आप यूटिलाइज करते हैं चीजें हैं, नॉर्मली कस्टमर का कहना होता है अटैच क्यों नहीं है, एक साथ क्यों नहीं है। जिस सेगमेंट को हम केटर कर रहे हैं आप एक चीज समझिए, आपके पास दो अलग अलग है, एक टाइम पे एक ऑक्यूपेंसी होती है तो दूसरा आपके लिए खाली तो है, आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो एक बेडरूम से है तो पूरा बेडरूम का एरिया आपका कवर करके तब आदमी को जाना पड़ता है, तो वो स्पेस को यूज किया गया। जिस कैटेगरी को आप टारगेट कर रहे हैं मकान, ये उसमें ये मकान के साथ, देखिए हम अपार्टमेंट नहीं बना रहे हैं, जहां अटैच वॉशरूम का सेगमेंट होता है ये मकान है। मकान का सेगमेंट आप अपने घर में भी हम लोग देखते हैं तो नॉर्मली एक वॉशरूम होता है और इसी सेगमेंट में होता है कि हर कोई प्रेफर नहीं करता अटैच होना या एक साथ होना, तो उसको हमने वैसे ही केटर किया है। ऊपर का स्पेस ओपन रखा है, 11 फीट की हाइट पे आपकी सीलिंग हाइट 11 फीट पे है, स्पेस ओपन है तो आपको फ्रंट एंड बैक वेंटिलेशन अच्छा मिलता है। ये है रूफ हाइट आपकी 7 फीट की आती है, तो सिक्योरिटी और सेफ्टी फीचर्स भी आपके यहाँ पे सारी चीजें ऐड ऑन होती है। सारे विलास एक से अटैच है आपके पीछे से। अच्छा, तो जो दूसरा विला आपका इसके पीछे बनेगा उसका भी ये एरिया सेम आएगा। अच्छा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ऐसा मैंने आंसर में देखा हुआ जी। तो इससे बेनिफिट ये है, उधर से चले, अच्छा इधर से, इससे बेनिफिट ये है कि दोनों तरफ कस्टमर के 30 फीट की रोड आएगी। मतलब जो एक सेक्टर होता है सेगमेंट कहता है ना कि आगे मेरे घर के बाहर रोड कितनी चौड़ी है, तो इसमें बाहर आपकी 30 फीट की रोड है। रोड का तो बड़ा इशू रहता है जी, इतना 30 फीट का रोड मिलता नहीं है। मैं चीज मेरी सबसे पहला था कि जब हम बात कर रहे हैं LIG हाउसेस अफोर्डेबल हाउसों में, तो किड्स रूम है, सेम साइज है 10x10 का, इसमें आपको सारी चीजें एज इट इज मिलती हैं। एक वर्किंग आप देख सकते हैं, तो ये आइए सेम इसके साथ भी आपका बैक
जो भी पीछे देख के आए एंट्रेंस एग्जाम डोर हो गया, ये वेंटिलेशन के लिए हो गया, ये वेंटिलेशन के लिए है, डोर है, आप सारी चीजें विंडोज और डक्ट ओपन करते हैं तो आपके पास काफी सारी स्पेस है। अच्छा, एसी के पॉइंट वगैरह दिए हुए हैं सर? एसी के एग्जैक्ट आपके पॉइंट आउट दिए हैं। अच्छा, एसी को एसी वर्क लगाना है, डिटेल्स लगानी, तो डक्ट हमने वो सारी चीजें आप देखते हैं, तो इधर भी डक्ट है, वहां पर भी डक्ट है, डक्टिंग पॉइंट दिया है, एसी विजिट्स आपको खुद लगाना है। पॉइंट दिए हुए हैं, खाली उसके कोई उसमें तोड़फोड़ नहीं करनी पड़ेगी, तोड़फोड़ नहीं करनी पड़ेगी। ठीक, ये आपके दो बेडरूम हो गए नीचे, सिंप्लेक्स वाले अगर हम बात करें, सिंप्लेक्स है। अगर इसी में जब हम एक फ्लोर ऊपर मूव करते हैं तो डुप्लेक्स हो जाएगा। आइए हम लोग फिर ऊपर चलते हैं। ये आपका सिंप्लेक्स हो गया, जो हम लोगों ने नीचे का पार्ट देखा, टू बेडरूम, किचन, वॉशरूम, लैट्रिन वॉशरूम स्पेस एंड बैक में कोर्टयार्ड एंड लैट्रिन बाथरूम। अब हम लोग ऊपर से ले चलते हैं। ये जो खाली ये लेता है, जो सिंप्लेक्स लेता है उसको ये रहेगा, और जो डुप्लेक्स लेता है उसके लिए आपका स्टेयरकेस से आप ऊपर मूव करते हैं। तो अब जब आप ऊपर आते हैं तो जैसा मैंने पहले कहा था एक्सपेंडेबल है, तो ये स्पेस ओपन टेरेस है, तो आप फ्यूचर में एक्सपैंड कर सकते हैं अपने हिसाब से, ये आपका ड्रॉइंग स्पेस हो जाएगा। तो फैमिली मेंबर्स ज्यादा हैं तो आप बना लीजिए, वरना तो इतना तो काफी है, चार चार बेडरूम। ये दूसरे कॉन्सेप्ट भी है कि इन केस आपको फ्यूचर में एक्सपेंशन करना है, आप देख रहे हो मेरा अच्छा है, आसपास काफी सारे डेवलपमेंट है, रेंटल पॉइंट से भी अगर कोई देखता है तो आगे इसको एक्सपैंड कर सकता है। आइए अंदर चलते हैं। जब बारिश भी आ गई, बिल्कुल अच्छा मौसम है। नीचे जैसे आपने देखा था सेम वैसे ही दो रूम ऊपर है, सेम साइज है, बेडरूम मास्टर बेडरूम नीचे था एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट पे है। आइए, एक अच्छी चीज यह है पीछे आपका बैक पॉइंट दिया गया है, नीचे आपका कटआउट था, ये आपका सेम ऊपर है, बगल वाला रूम आपका एग्जैक्टली स्टडी के फॉर्मेट में हमने बनाया है और सेम साइज का है। आइए आ जाते हैं बगल वाले, तो ये बगल वाला रूम हो गया जैसे किड्स के लिए आपने, तो नीचे किड्स रूम था, ऊपर हमने उसको एज ए स्टडी रूम डिजाइन किया हुआ है, आपका एक बैठने के लिए स्टडी के फॉर्मेट में है जिस तरीके से प्रोफेशनल्स हैं, तो अभी हमने एक पूरा सेगमेंट दिया, आप इसको कैसे डिजाइन कर सकते हैं ये आपके अपने ऊपर। हाँ, थोड़ा आदमी लेता है तो अपने हिसाब से अवेलेबल है। एक आउटडोर पे हमें चीजें ब्रीफ कर सकते हैं, यहाँ के आसपास में अगर कोई आदमी ब्रीफ करता है तो फ्रंट सामने है, ये आपका फ्रंट है जी, ये आपका रोड वगैरह का बता दिए थोड़ा लोकेशन। एग्जैक्ट लोकेशन जो हमारी आएगी ये सुल्तानपुर रोड से टूवर्ड्स रायबरी रोड, एक मोहल बाईपास रोड है जिसे हम न्यू जेल रोड भी कहते हैं, जिसका एग्जैक्ट नाम अगर मैं कहूँ तो NH 56B है। जैसे ही आप सुल्तानपुर रोड से चलते हैं 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आगे आके राइट हैंड साइड पर प्रोजेक्ट हमारा आ जाता है। एग्जैक्ट लोकेशन जो लगती है इस जगह को शिवलर कहता है। अच्छा, इसीलिए प्रोजेक्ट का नाम ही इस तरीके से हलवासिया शिवलर संबल। ओके, हलवासिया एज अ ब्रांड सब जानते हैं, 35 साल पुरानी कंपनी है, शिवलर इस जगह का नाम है और संबल इस प्रोजेक्ट का नाम है। ओके, मैं फिर भी चाहूंगा आप थोड़ा हलवासिया के बारे में ब्रीफ दें। बिल्कुल सर, मैं बहुत खुश होगा। हलवासिया एज अ डेवलपर, हलवासिया एज अ ब्रांड लखनऊ में किसी जानने या किसी नाम की जरूरत नहीं है, अपने आप में एक ब्रांड है, 35 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, जिसने लखनऊ के रियल स्टेट को एक अलग ही वर्टिकल दिया है, कमर्शियल वर्टिकल में सबसे ज्यादा एक्सपेंशन है। सबसे पहला प्रोजेक्ट जिस हलवासिया के नाम से जो याद आता है वो आपका हजरतगंज, हलवासिया कोर्ट, हलवासिया मार्केट, हलवासिया चैम्बर्स है, आज भी प्रोमिनेंट प्लेस है हलवासिया। अगर कोई भी हजरतगंज में ऑफिस देखना चाहता है सबसे पहले हलवासिया कोर्ट ही जाता है। राज चैम्बर्स एक प्रोजेक्ट हमारा है आपका स्टेशन रोड पर, जो आपका क्या नाम से हजरतगंज मेट्रो स्टेशन है उसी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे टूवर्ड्स परिवर्तन, तो दाहिने हाथ पे हलवासिया पूरा, हलवासिया कोर्ट। आपके जितने ब्रांड्स आप देखते हैं लुईस फिलिप्स है, वो सारे के सारे जो ब्रांड है वो हलवासिया में है। और आप मॉल वाला नहीं बता रहे हैं, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। अब जब आप गोमती नगर की तरफ आते हैं तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, नाम है मॉल का, सिनेपोलिस मॉल, जिसे हम सब जानते हैं। मेरा ऑफिस उससे 200 मीटर पे है, तो बस आपके ऑफिस के सामने से जो विजिबिलिटी आती है वो सिनेपोलिस मॉल की है, वन अवध मॉल एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ तो लखनऊ में उसको हम वन अवध के नाम से जानते हैं। वो मॉल हलवासिया ग्रुप का ही है एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट, सबसे ज्यादा अच्छा ऑडी उसमें ही माना जाता है, एट स्क्रीन थी वो प्रोमिनेंट था, आज भी वो सबसे प्रीमियम, मतलब एक इसके साथ साथ गुड़गांव बेस्ड में भी हमारे कमर्शियल स्पेसेस बहुत अच्छे हैं। सोना रोड पे अगर कोई है गुड़गांव में देखता है तो अगस्ता पॉइंट हमारा एक ऑफिस स्पेसेस है जिसमें आपके मैक्सिमम मेजर बड़े ऑफिसेस हैं जो गुड़गांव में से कुल मिला के हलवा से जो भी जानना चाहे वो जान सकता है, वो बिल्कुल जान सकता है, एक नाम से जान सकता है, एक चीजों से जान सकता है। आइए थोड़ा बाहर आ जाते हैं, थोड़ा सा मौसम का भी आप उधर चले जाइए कृष्णा वहाँ पे, और अंदर ही रहिए, कैमरा भीग जाएगा।
अब एक अच्छी चीज है, आप जिस लोकेशन पे हैं, फ्रंट में तो मैंने बता दिया आप एक बाईपास रोड पे हैं, इस तरफ बाईपास हाईवे प्रपोज्ड है, NH56B सुल्तानपुर रोड से कनेक्टिविटी है, मोहनलालगंज से कनेक्टिविटी है, एक बहुत अच्छी चीज है। ये प्रोजेक्ट एक ऐसी जगह पे है जहाँ तीन तरफ से तीन मेजर हाईवे को कनेक्ट करता है। 1.5 किलोमीटर आगे सुल्तानपुर है, आप हाडलिया से 11 किलोमीटर आगे जाते हैं, रायबरी रोड को टच करते हैं, 300 मीटर पीछे आप टाउनशिप के जाते हैं तो आपके पूर्वांचल एक्सप्रेस। ये सामने दिख रहा है, अभी बारिश हो रही है, हम कैमरा नहीं दिखा सकते उधर। कृष्णा दिख रहा है, ये सामने आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस इस 15 अगस्त से इसका ऑपरेशन उद्घाटन है, तो यहाँ पे ऑपरेशन मूवमेंट हो जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बनने के बाद आपका प्रोजेक्ट की जो कनेक्टिविटी आएगी वो प्रॉपर गाजीपुर, मऊ, जितना पूर्वांचल बेल्ट है अयोध्या, ये सारी की सारी आपकी कनेक्ट हो जाएगी। यू विल बी कनेक्टेड विद ऑलमोस्ट पूरे लखनऊ के साथ आप कनेक्टेड है, प्लस आप पूरी पूर्वांचल बेल्ट के साथ कनेक्टेड है। तो हमारा जो मैक्सिमम अभी आपका जो कस्टमर मूव करेंगे वो पूर्वांचल बेल्ट के कस्टमर्स के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट ऑप्शन है। आइए फिर से बाहर आते हैं, बारिश जो है लुका छिपी कर रही है। अब मैं सीधे नीचे चलूंगा, मैं ये चीज कंस्ट्रक्शन के लिए भी देख सकता हूं। आइए, ये तो अपना सैंपल हाउस था और अब हम लोग चल रहे हैं एक्चुअल, हाँ एक्चुअल कंस्ट्रक्शन पे जो बन रहा है। तो साथियों काफी चीज तो आप समझ ही चुके होंगे, और मैं यहाँ पे वीडियो बनाने तो आ जाया हूँ, ये प्रोजेक्ट देखने एक दिन और आया था, तब ये पिलर खड़े नहीं थे। कंस्ट्रक्शन स्टेज में ये अच्छी चीज है कि हम जिस स्पीड में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो बहुत हाई है। नॉर्मली अफोर्डेबल सेगमेंट की बात अगर कोई करता है या लॉन्च की बात करता है, लॉकडाउन में 18 मई को हमने इस प्रोजेक्ट के बारे में मार्केट में स्टार्ट किया था। जून ऑनवर्ड्स हमने इस चीज पे बात की थी, एंड जून एंड में हमने काम शुरू किया था। अच्छा, 18 जून 20 जून के बाद हमने काम शुरू किया था। आप जितना भी काम देख रहे हैं ये 1.5 से 2 महीने के अंदर का काम, काफी काम हो चुका है एक तरीके से। अभी हमारी 44 यूनिट पे हम एक साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, टोटल ये जो 44 यूनिट जो सोल्ड कर लिए हैं आपने उस पे काम कर रहे हैं, काम शुरू हो चुका है। अभी सबसे अच्छी चीज है, आप जो बीम देख रहे हैं ये सारा एक सेगमेंट का है, अभी भी आप देख सकते हैं कॉलम एंड बीम पे पूरा स्ट्रक्चर है। क्वालिटी वाइज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोजेक्ट है, कहीं कोई ये नहीं कह सकता कि अफोर्डेबल है तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, नहीं हो रहा। मैं एक बार चाहूंगा आप चल के फिजिकली देखें। मैं जरूर ये जरूर देखता हूँ। बिल्कुल, ये सबसे ये वो चीज है, अभी देखनी जरूरी है, बनने के बाद आप सिर्फ पेंट देख सकते हैं और इसको बदल नहीं सकते, बाकी हर चीज बदली जा सकती है। तो ये देखेंगे साथियों, तो ये प्लिंथ है, इसके नीचे भी इसका, इसके नीचे 4 फिट का एक्सकवेशन है। अगर आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके नीचे 4 फिट का एक्सकवेशन है, 3 लेवल पे लेवल पॉइंट किए गए हैं जिसके बाद ये स्ट्रक्चर ऊपर उठाया गया है। तो सिर्फ कॉलम एंड बीम या स्ट्रक्चर पे नहीं, इसके नीचे 3 लेवल पॉइंट है जिसके ऊपर ये स्ट्रक्चर को एलिवेट किया गया है। 2 स्ट्रक्चर है, एक यूनिट उस तरफ है। अच्छा, इस पे पार्टीशन वॉल आएगी। अच्छा, आप पार्टीशन वॉल की भी हाइट देख, लेंथ ब्रेथ देख सकते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ। ये अपना एक इधर का हो गया, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है। आप अगर नॉर्मल कोई कहता है कि 9 mm की दीवार है, 14 mm की दीवार है, तो आपके सामने स्ट्रक्चर है कि किस साइज में है। पार्टीशन वॉल आपकी, ये कॉलम आएगा पार्टीशन का, तो कॉलम के हाफ कॉलम की वॉल एक की होगी, हाफ कॉलम की वॉल एक की होगी, अलग अलग रहेगा कोई उसका वॉल। जो अभी हम सेक्शन देख रहे थे सैंपल में, जहाँ हम अभी खड़े थे पीछे वॉशरूम एरिया था, ये उसकी वॉल है। अच्छा, वॉल की हाइट भी आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं क्वालिटी का अगर थोड़ा बात करूं तो ये छूने पे पता लग रहा है कि ये पूरा आपका मसाला है। सबसे अच्छी चीज है इसमें कोई भी बालू का काम नहीं यूज हुआ है, इसमें सैंड डस्ट यूज हुई है, कंक्रीट स्ट्रक्चर है, 1/4 का आपका पूरा स्ट्रक्चर पे हमने बेस कंप्लीट किया है। वो देख पा रहे हैं और जो लोग आएंगे वो भी यहाँ पे फिजिकली देख पाएंगे, क्योंकि अभी ये कंस्ट्रक्शन स्टेज में तो चीजें समझ में आएंगी। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आप सरिया जो है मोटी वाली इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं है कि पतली सरिया है या हाफ स्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, जितना भी स्ट्रक्चर है उसकी कॉलम एंड बीम सेम है। प्लस हर उस पे अगर आप एक स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये पूरा एक के साथ है, 12/7/2021 ये इसकी डेट है जब हमने इसका ये बीम कॉलम हमने स्ट्रक्चर किया था, जब इस कॉलम को रेस्ट किया था तो 12/7/2021 को किया था। अच्छा, तो ये के बीच में आपकी 30 फीट की, ये हमारी 30 फीट की रोड हो गई पूरी पूरी। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, दूसरी यूनिट उधर है, एक यूनिट इधर है। कस्टमर्स का जो एक कंसर्न है, भाई हम पार्किंग क्यों कैसे यूज करेंगे, आपके LIG हाउसेज है, पार्किंग की स्पेस नहीं है, तो आप सामने देख सकते हैं सर, 30 फीट की रोड है,
हमारी सबसे बड़ी चौड़ी गाड़ी भी अगर होती है तो 6 फीट की होती है, तो अगर आप दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी भी कर देते हैं तो भी बीच में आपके ऑलमोस्ट 12 फीट की रोड बचेगी जाने के लिए, आने जाने के लिए कोई इतना दिक्कत नहीं होगा, कोई स्पेस नहीं। कंस्ट्रक्शन वाइज आप अब दोनों चीज देख सकते हैं सर, सामने आयरन केज बनाया जा रहा है जिसपे अभी कॉन्क्रीट हम बिछाएंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं कि इतना लोहा, इतना सरिया और इतना सीमेंट कोई इस स्ट्रक्चर में खुद अगर कस्टमर भी बनाएगा ना तो नहीं डालेगा, उतना नहीं हो पाता है आदमी, क्योंकि कस्टमर हम नॉर्मली इससे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, एज अ डेवलपर हम इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते क्योंकि ये अंदर की बेस है, जब तक ये मजबूत नहीं रहेगा आप चेंज नहीं कर सकते, ये सामने ही हम लोग तो पूरा अंचल है सामने अच्छा, आप जो हमारा एंड पॉइंट है वहां से 300 मीटर है बस, ओके। प्लस एक अभी मैं आपको स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा, 100 फीट की रोड टाउनशिप के पैरेलल जाती है जो पूर्वांचल के अंडरपास से होते हुए किसान पथ पे मूव करेगी। अच्छा, हम लोग इधर आ जाते हैं, ये जो है आपका स्कूल है, ये आपका जो है RLB स्कूल है, लखनऊ में रहने वाला हर बंदा RLMB को जाता है, रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल स्कूल को, ये उसी की एक ब्रांच है, रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल स्कूल आपके टाउन प्रोजेक्ट से बिल्कुल अटैच यूनिट है, अप टू इंटरसेक्शन का प्रोजेक्ट यहीं पे आता है। स्कूल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके 3 से 4 प्रोमिनेंट स्कूल है, ये एक बगल में है, इसके बगल में कस्तूरबा गांधी है, आप थोड़ा सा आगे टूवर्ड्स मोहनलालगंज जाते हैं तो प्रेस्टीज है, यहाँ पे 3 से 4 स्कूल्स है बेसिक जो 12वीं तक के हैं। हायर एजुकेशन के लिए आप सुल्तानपुर रोड पे निकल जाइए, सरोज है, TDL है, SMS है, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सारी चीजें। अच्छा, सबसे नजदीक में यहाँ पे अस्पताल का क्या है? सबसे नजदीक में अगर आप बात करते हैं तो ठीक यहाँ से आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बेसिक हॉस्पिटल है जो आपका सरकारी हॉस्पिटल की बात करते हैं, सामने आप देखें चिरंजीव आई केयर हॉस्पिटल है जो आँख का और बेसिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगर बहुत प्रोमिनेंट की बात करते हैं तो यहाँ से 10 से 15 मिनट की ड्राइव पे आप मेदांता, मेदांता तो देख रहे हैं, सारे हॉस्पिटल है, मेदांता है, मदर एंड चाइल्ड केयर है, कैंसर इंस्टीट्यूट है, प्लस एक अपकमिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी वो अटल बिहारी वाजपेयी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आइए फिर हम लोग आगे चले चलते हैं, चलते हुए एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, प्रोजेक्ट की एक खास है, ये एक्सपेंडेबल विला है, तो जो हम स्ट्रेंथ दे रहे हैं नीचे आपको वो अप टू 3 फ्लोर की स्ट्रेंथ दे रहे हैं। अच्छा, जबकि कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट नॉर्म्स पे अप टू G+2 है, बट 20 साल बाद 30 साल बाद भी अगर कभी एक फ्लोर एक्सटेंशन की बात आती है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं कि मेरी नींव मजबूत है कि नहीं है, आप बना सकते हैं। हाँ, ये लोगों का कंसर्न रहता है, आपने बहुत अच्छा किया इसके लिए कि हम आप इसको अप टू 3 फ्लोर तक एक्सटेंड कर सकते हैं एज पर अप्रूवल नॉर्म्स, अभी आप G+2 तक बना सकते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से अभी 1.5-2 महीने हुए आपको साइट पे काम करते हुए, और आपने जो है पे काम करने में 1.5 से 2 महीने का टाइम लिया है, आपने ये काम किया है, ये काम कर लिया है पूरा, और हमारी कंप्लीट है, सैंपल कंप्लीट है, ऑलरेडी हम इनिशिएट भी कर चुके हैं। अच्छा, अब हम लोग जो है चलते चलते एमिनिटीज की बात करेंगे, उसी की बात सबसे जरूरी वही चीज है कि हम लोग वहाँ चल के करें ऑफिस में, जैसा बताइए ऑफिस में चलते हैं तो हाँ ऑफिस में थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। तो रोड आपको जो मिलेगी ये ऐसे ये ब्लॉक्स इंटरलॉकिंग की ब्लॉक्स पे मिलती है, पेवेट रोड है, आप अभी जहाँ पे खड़े हैं ये पार्क के एग्जैक्टली सामने की रोड है। अच्छा, जो 7.5 मीटर की है, पूरी टाउनशिप के जितने सेक्टर रोड है वो 9 मीटर की है, 30 फीट का रोड आता है, मेन एंट्रेंस 12 मीटर की, जिसे हम 40 फीट की रोड कहते हैं, 40 फीट के रोड पे आता है। तो ये आपका रोड है, ये मेन रोड है, थोड़ा सा अगर आप देखते हैं तो ये आपकी मूवेबल रोड है, जो जैसे हम NH 56B न्यू जेल रोड, इसके कई सारे नाम है, गोसाईगंज, मोहनलालगंज, बाईपास रोड, ये तीनों नाम से जानते हैं। अच्छा, तो ये यही आपका जो है क्या नाम से 40 फीट का ये है आपका रोड, ये आपकी जहाँ आप अभी है 20 फीट की रोड इनिशियल, अभी आपके कस्टमर मूवमेंट के लिए हैवी व्हीकल के लिए 20 फीट की रोड अभी हमने छोड़ी हुई है, जो अभी हमने देखा था वो एक्चुअल साइट है। अब उस साइट को आप अगर मैप में देखते हैं तो ये आपका एक्चुअल प्लान है, लेआउट प्लान है, ये मेरी NH 56B जो मेरी आपकी गोसाईगंज मोहनलालगंज बाईपास रोड या न्यू जेल रोड जिसकी मैं बात करता हूँ, ये मूवमेंट है, आप इसी से आते हैं, ये मेरा फ्रंटेज है जहाँ से हम एंटर करते हैं, अभी हमारा सेट आउट इस लोकेशन पर एग्जैक्टली। ये स्पेस आपकी 12 मीटर की वाइड रोड है 40 फीट की, जहाँ से आप एंटर कर रहे थे, जहाँ से हम अभी मूव करके गए थे, दिस वॉज द प्लेस जहाँ पे हम एग्जैक्टली खड़े थे, सैंपल विला 118 नंबर पर बना हुआ है, इसके ठीक सामने जो मैंने बताया था 66,666 स्क्वायर फीट का सेंट्रल ग्रीन पार्क है। जो एमिनिटीज़ की बात अभी आपने की थी उस पर बता देता हूँ कि सारी एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ को हम अब्सॉर्ब कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ पे आते हैं, गेटेड कम्युनिटी है आपका, 24/7 सिक्योरिटी पॉइंट यहाँ पर आता है, पूरी टाउनशिप के अंदर गार्ड मूवमेंट रहता है, तो आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी फीचर्स में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। दूसरी चीज़ आती है 66,000 स्क्वायर फीट के पार्क के अंदर,
बच्चों के खेलने या एडल्ट किडल्स के लिए दो बैडमिंटन कोर्ट दिए गए हैं। पूरी पार्क के अंदर 700 मीटर का वॉकिंग एंड जॉगिंग ट्रैक है पूरा। बीच में ओवर हेड टैंक पानी के लिए सारी चीज़ें हैं। दो स्पेस दी गई हैं, एक छोटे बच्चों के खेलने के लिए किड्स प्ले एरिया और एक आपका ओपन जिमनेशियम। बीच में आपके सेट आउट डिस्पोज दिए हैं, ये आपके सेट आउट पॉइंट है। जॉगिंग के बीच में आप सेट आउट कर सकते हैं, शाम के बैठने की चीज़ें यहाँ पर हैं। और ये एक सेंट्रल ग्रीन पार्क होने के साथ साथ बाकी इसमें अगर आप देखें तो एक दो टोटल 3, 4, 5, 6 स्पेसेस हमने और ग्रीन स्पेसेस दी हुई हैं। छोटी सी एक अच्छी चीज़ है जो नॉर्मली लोग मिस आउट करते हैं, बट क्योंकि कस्टमर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से हमने वो भी चीज़ ऐड की है, वो है आपकी विजिटर्स पार्किंग स्पेस। एक अफोर्डेबल हाउसिंग में सबसे पहला चीज़ होती है कि हम पार्किंग को थोड़ा निगलेक्ट करते हैं, बट यहाँ पे आपको 80 से 82 पार्किंग की स्पेस अलॉट की गई है। 82 से 100 के बीच में वेरी करता है। तो ये आपकी डेडिकेटेड पार्किंग स्पेसेस है जो विजिटर्स के लिए, किसी के घर में मेहमान आए हैं कोई चीज़ है तो उसके लिए, ऐसा नहीं कि वो रोड पर गाड़ी खड़ी कर रहा है और जाम कर रहा है, वो स्पेस है। और अच्छी चीज़ पर आते हैं, टाउनशिप के अंदर ही आपका STP प्लांट इंस्टॉल्ड है। कोई खुली नालियाँ या कोई चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें अंडरग्राउंड है, कवर्ड है और STP प्लांट्स है, रिसाइकल्ड एंड रिवॉटर्ड। वाटर एंड ग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है इसके अंदर। सारी चीज़ें उसी तरीके से प्लान की जाती हैं। फेज़ वन की अभी जो मैं सेल की बात कर रहा हूँ, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, तो फेज़ वन अभी हम ये सारी यूनिट्स हम फेज़ वन में कंप्लीट कर रहे हैं, 154 जिनकी हम सेल ओपन कर रहे हैं, जिसपे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है। फेज़ टू पार्क के इधर से आपकी जितनी एरिया है ये सारी की सारी फेज़ टू की यूनिट है। 133 यूनिट मेरी फेज़ टू में आएंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर आ जाते हैं सर, कब मिलेगा? तो सितंबर 2023 मेरा फेज़ वन का पोजीशन डेट है। सितंबर 2023 तक हम कंप्लीट करके हैंड ओवर करते हैं, जिसमें हम सेंट्रल ग्रीन पार्क, STP प्लांट, आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, सीवर, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके हम हैंड ओवर करते हैं। फेज़ टू में मेरी सिर्फ 133 यूनिट ही बचती हैं जो हम कंप्लीट करके एज पर रेरा मार्च 2025 में हम हैंड ओवर, पूरी टाउनशिप हैंड ओवर कर देते हैं। प्रोजेक्ट की अप्रूवल्स की बात करता हूँ, तो ये पूरा प्रोजेक्ट मेरा LDA से अप्रूव्ड है, LDA के नॉर्म्स पे बना है, रजिस्टर्ड है रेरा में, रेरा रजिस्ट्रेशन के साथ है। दो रजिस्ट्रेशन है, फेज़ वन एंड फेज़ टू का, अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर है रेरा रजिस्ट्रेशन का। डिटेल्स ब्रोशर में मेंशन है, जो आपको शेयर कर देता हूँ। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट चीज़ पे आते हैं, पेमेंट प्लान एंड बैंक लोन। अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट की वजह से इसके ऊपर 90% बैंक लोन अवेलेबल है, डिपेंडिंग अपॉन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कस्टमर। कस्टमर की एलिजिबिलिटी पे 90% बैंक लोन कर रहा है। इनिशियली अभी हमारे पास कैनरा बैंक, HDFC, ICICI ये तीनों बैंक से अप्रूव हो गया प्रोजेक्ट, यहाँ से आप लोन प्रोसेस करा सकते हैं। एक और अच्छी चीज़ कस्टमर के बेनिफिट की बात कर देते हैं, तो अगर कोई कस्टमर है जिसकी एलिजिबिलिटी आती है तो उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का जो बेनिफिट है, जिसे हम क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम भी कहते हैं, उसमें अप टू 2.67 लाख तक का बेनिफिट मिलता है इंटरेस्ट के ऊपर, वो भी इसमें एलिजिबल है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं कस्टमर के लिए। जो भी अपना घर अपने हिसाब से चाहता है उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक ऐसी चीज़ है उनके लिए जो घर उनके साथ बढ़ सकता है, ये सबसे, क्योंकि सारे के सारे एक्सपेंडेबल हाउस हैं। जैसे मान लीजिए लोन नहीं लेना चाहता है जी, तो उस केस में क्या? अगर कोई लोन नहीं लेना चाहता तो मैं बताता हूँ, इसका पेमेंट प्लान कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान पे, मतलब जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन मूव होगा वैसे वैसे पेमेंट जाएगी स्टेप बाई स्टेप, तो आप वैसे ही पेमेंट कर सकते हैं। बैंक भी अगर आप लोन भी लेंगे सर, तो मैं बता दूं बैंक पूरा पैसा एक बार में मुझे नहीं देगा, वो भी पार्ट नहीं देगा, उसे हम कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान कहते हैं। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन मूव होगा वैसे वैसे पेमेंट आएगा। फीचर वाइज जैसा मैंने इस पर बताया था, अगर मैं थोड़ा सा चीज़ें दिखाऊँ, तो ये आपका बैडमिंटन कोर्ट का स्पेस दिया हुआ है, किड्स प्ले एरिया का डिज़ाइन यहाँ पर दिया हुआ है आपके पीछे। अगर आप थोड़ा सा उधर देखते हैं तो कन्वीनियंट शॉप्स हमने दी है, एक सेंट्रल पार्क जो हमने गिज़बोस की बात की थी, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे दे रहे हैं। अरे ये आपका जो कमर्शियल स्पेस है वो ये वाला है क्या? जी, ये 14 शॉप्स हैं। फेज टू में हमारी ये कमर्शियल स्पेस भी आएंगी, इसे भी हम लीज और सेल दोनों ही प्रोसेस में करेंगे, बट ये जब हम लॉन्च करेंगे तो इसकी बात करते हैं। अच्छा, ये अभी लॉन्च नहीं, ये फेज टू के पार्ट में दे चुके हैं। हम अभी जो चीज़ें कर रहे हैं वो फेज़ वन है, सारी चीज़ें हैं। पिंक कलर की जितनी यूनिट आप देख रहे हैं ये ग्राउंड फ्लोर की 2 BHK की यूनिट है, जो अभी हमने दिखाई। ब्लू कलर की जितनी आप यूनिट्स देख रहे हैं ये ग्राउंड प्लस वन, जो हम सैम्पल देखे हैं 4 BHK का, ये उसकी यूनिट्स है। इसमें 4 रूम्स है, ड्राइंग डाइनिंग स्पेस और सारी चीज़ें। ये 2 बेडरूम्स है जिसमें 2 BHK ड्राइंग डाइनिंग ग्राउंड फ्लोर पर मिल जाता है। ये सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। बाकी कुछ हो? अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, ठीक है? सवाल ये है कि प्राइसिंग कहाँ से, कितनी
कितने एग्जैक्ट बेसिक कॉस्ट जो हमारी स्टार्ट होती है वो 2 BHK सिंप्लेक्स 21 लाख से शुरू हो जाता है। अच्छा 21 लाख में 2 BHK सिंप्लेक्स है, 4 BHK 27 लाख 29 लाख, ये 2 बेसिक कॉस्ट में आते हैं। अच्छा क्योंकि प्लॉट साइज 645 स्क्वायर फीट और एक कॉर्नर यूनिट जितनी है मेरी उसमें थोड़ा एडिशनल आपका स्पेस आता है वो 807 स्क्वायर फीट है, तो उसकी कॉस्ट 29 लाख है। अच्छा और ये तो कॉस्टिंग हो, इसके बेसिक के अलावा भी कुछ बेसिक के अलावा भी एडिशनल चार्जेस हैं बीच में देता हूँ। जैसे एडिशनल चार्जेस में आपके 3 चार्जेस एड ऑन होते हैं जो हर यूनिट पे आएंगे, वो हो गया आपका इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी जिसे हम IFMS भी कहते हैं, जो आपका एक रिकरिंग कॉस्ट है वन टाइम चार्जेस का। दूसरा आपका पेपर वर्क चार्जेस है जो हमारे नॉर्म्स में ये और बाकी चीज़ों को जो पेपर वर्क कम्प्लीट करने के जो चार्जेस है वो आपके होते हैं जो आपका 3,500 रुपये। इसके अलावा वाटर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जिसे हम जो कंपाइल करके गवर्नमेंट से सबसे कंप्लीट करके वाटर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से जहाँ तक जो पानी हम सप्लाई और बिजली की सप्लाई लेके आते हैं उसका जो चार्जेस है वो 5,000 रुपये है। तो टोटल कॉस्ट आती है 20,500, 12,000 रुपये आई एम एस, 20,500 कोई ज़्यादा नहीं। अच्छा जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है देखता है पसंद करता है तो आपके यहाँ कोई डिस्काउंट पॉलिसी तो होती नहीं होगी? बिल्कुल कोई डिस्काउंट पॉलिसी नहीं है इसमें, जीरो डिस्काउंट। डिस्काउंट इसलिए भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑलरेडी LDA के LIG प्रोसेस है, इसमें हम कोई भी डिस्काउंट ऑफर नहीं कर सकते। ओके जैसे मान लीजिए कोई आदमी देखता है पसंद करता है तो आगे कैसे प्रोसेस करेगा? उसका बहुत सिंपल सा लेआउट है, किसी को पसंद आता है एक एप्लीकेशन फॉर्म हमारा वो फिल करता है, उसके साथ उसकी KYC लगती है जिसमें कस्टमर अगर दो एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट बोथ है, दोनों का पैन आधार दोनों की 2 फोटोग्राफ्स लगते हैं और एक बुकिंग अमाउंट का चेक जो कि 10% ऑफ टोटल कॉस्ट का होता है जो बनता है हलवासी एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। ओके तो यहाँ पर सारी चीज़ें उसी फॉर्मेट में चलती हैं, वो इनिशिएट करने के बाद कस्टमर का 10% बुकिंग अमाउंट आने के बाद एक प्रोजेक्ट के ऊपर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो जाता है कस्टमर के लिए, और बेनिफिट है कि कोई सारी चीज़ें लीगलाइज हो जाती हैं, 2% के स्टैम्प पे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो जाता है कोर्ट में जो आगे चल के आपका पोजिशन के टाइम पर रजिस्ट्री से वेव ऑफ हो जाता है। ओके तो ये बेनिफिट कस्टमर के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे समझाया और लोग अगर पेमेंट प्लान की मैं बात करूँ तो बहुत सिंपल पेमेंट प्लान है कंस्ट्रक्शन लोन, बुकिंग अमाउंट 10% दिया उसने कस्टमर ने, 30 दिन के अंदर उसे दूसरा अपना 10% पेमेंट कंप्लीट करना है, इस 30 दिन के बीच में हम कस्टमर का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कंप्लीट करा देते हैं, 20% पेमेंट आने के बाद हम कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। अच्छा कंस्ट्रक्शन शुरू करने में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फंड जो जाता है वो एस्टिमेशन के टाइम पे जब हम कंप्लीट करते हैं शुरू करते हैं तब आता है, तो वो 25% का डिमांड आता है और कंप्लीशन और स्टार्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद अगली डिमांड हम सीधे फर्स्ट फ्लोर की, अगर हम सिंप्लेक्स ले रहे हैं तो फर्स्ट फ्लोर की रूफ पे लेंगे, अगर कोई डुप्लेक्स ले रहा है तो सेकंड फ्लोर की रूफ पे लेंगे, बीच में मल्टीपल डिमांड नहीं आएगी और वो डिमांड आएगी सीधे 15%। फिर इसके बाद अगली डिमांड इंटरनल ब्लास्टर की जाती है, मतलब नॉर्मली कस्टमर्स को प्रॉब्लम होती है ना कि भाई पहले आप इलेक्ट्रिक वर्क पे लेते हो फिर प्लम्बिंग पे लेते हो, हम वो सब नहीं करते, हमने सीधे इंटरनल ब्लास्टर, इंटरनल ब्लास्टर करने से पहले हम इलेक्ट्रिकल फिटेशन कर चुके होंगे, आपके प्लम्बिंग का काम कर चुके होंगे, तो ये चीज़ें एक साथ होती हैं। 15% अगली डिमांड इंटरनल ब्लास्टर, 15% अगली डिमांड एक्सटर्नल ब्लास्टर, 8% की डिमांड जाती है ऑफर ऑफ पोजिशन, जब हम पोजिशन के लिए जो है इन्वाइट करते हैं, हम अपना प्रोजेक्ट यूनिट दे चीज़ें सही है चीज़ें हैं चेंजेस अगर कुछ होता है तो, पर फाइनल पोजिशन जब वो प्रॉपर्टी हैंडओवर लेने आता है तो 2% वो कंप्लीट करते हैं, 100% उसका पेमेंट कम्प्लीट हो जाता है। पेमेंट कम्प्लीट होने के बाद हम रजिस्ट्री प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, ये पूरा आपका पेमेंट प्लान वर्क करता है, सिंपल पेमेंट प्लान है एज पर कंस्ट्रक्शन, कोई मल्टीपल इसके अलावा कोई दूसरा पेमेंट प्लान आता है इस पर। थैंक यू सो मच सर। तो साथियों आप ये देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, आपने देख लिया समझ लिया, मेरा नीचे नंबर रहता है, आप लोग मुझे फ़ोन करेंगे आपको सर से कनेक्ट कर दिया जाएगा, आप यहाँ आइए देखिए। और लीगलिटी की तो कोई ख़ास बात यहाँ पे रही नहीं क्योंकि सारी चीज़ें LDA रेरा अप्रूव्ड है, तो बहुत ज़्यादा आपको उसमें सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको लोकेशन पसंद आ जाए और मकान पसंद आ जाए बस चीज़ें हो गई, प्रोसेस कर सकते हैं। और ये वीडियो काफ़ी लंबा भी हो गया, आपके जो भी दोस्त यार साथी रहते हैं जिनको इस तरीके के मकान खोज रहे हैं और नहीं मिल पा रहा है और परेशानियां आ रही हैं दिक्कतें आ रही हैं कि मुझे रेरा ही चाहिए, रेरा अप्रूव्ड LDA अप्रूव्ड ही चाहिए, तो उनको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं।